तो हेलो वालों, कैसे हो? मैं मनीष और आप लोग देख रहे हो जीडब्ल्यू मनीष यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में काफी सारे लोगों ने कमेंट किया था कि भाई पिछले वीडियो में आपकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली गई, आपकी हर वीडियो में बहुत ही अमेजिंग सी एक एनर्जेटिक वाइब आती है लेकिन पिछले वीडियो में ऐसा लग रहा था कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, एनर्जी ही नहीं थी। तो यार मेरे को भी नहीं पता कि पिछले वीडियो में एनर्जी कहाँ गायब हो गई थी, लेकिन आज के इस वीडियो में आपको फुल धमाकेदार एनर्जी के साथ वीडियो देखने मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है कि अपने इस OB43 अपडेट के बाद, बेसिकली हर अपडेट के बाद ये सीन होता है, बेसिकली यार ये तो हर OB अपडेट के होता है, अपडेट आने के बाद हमारे गेम का लोड बढ़ जाता है, थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, उसके बाद हमारे फोन में भी थोड़ा सा लोड आता है जिस वजह से शायद हमारा गेम थोड़ा थोड़ा लैग करना शुरू भी कर देता है। अब देखो हर बंदे का तो मेरे को नहीं पता लेकिन मेरा 12 GB का फोन होके भी हल्का फुल्का लैग दे रहा है, फ्रेम ड्रॉप हो रहा है, तो भाई अब मैं 4 GB 6 GB प्लेयर को क्या ही कहूं। तो अगर आपके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम है लैग इशू से रिलेटेड, अगर आपका भी OB अपडेट के बाद फोन हल्का फुल्का लैग हो रहा है, तो भाई ये वीडियो आप लोगों के बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको लैग प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत सारी बताने वाला हूं और बहुत सारे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूं कि मैं अपना लैग प्रॉब्लम किस तरीके से सॉल्व करता हूं। और उसी के साथ साथ आज के इस वीडियो में आप लोगों को और भी मजेदार इंटरेस्टिंग चेंजेस के बारे में पता चलेगा इस OB43 अपडेट के बाद। और गाइस पहले मैं आपको चीज क्लियर करना चाहता हूं लैग प्रॉब्लम से रिलेटेड कि अगर आपका इंटरनेट सही नहीं है फिर भी भाई गेम आपका लैग होगा, अगर आपका 12 GB क्यों ना हो और 20 या फिर 50 GB क्यों ना हो, आपका जो रैम है वो 50 GB रहेगा लेकिन फिर भी आपका जो इंटरनेट है अगर वो अच्छा नहीं चलेगा फिर भी आपका फोन लैग होगा। तो जब तक आप श्योर नहीं होते हो कि आपका इंटरनेट एकदम प्रॉपर है, कोई भी इंटरनेट में प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके अंदर ये श्योरिटी है तभी जाके भाई आप अपने लैग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, जो मैं आज की इस वीडियो में ट्रिक बताने वाला हूं। क्योंकि अगर आपका इंटरनेट भाई अच्छे से नहीं चल रहा है तो फिर आज की इस वीडियो में जो ट्रिक्स बताने वाला हूं ना वो कुछ काम नहीं आएगी, पहले इंटरनेट सुधारो। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, पर्सनली मेरे एरिया में भी ऐसा होता है कि मेरे एरिया में एयरटेल और जियो का सिम बहुत अच्छा चलता है, वही कंपेयर करें वो वोडाफोन का और वो जो होता ना VI इंटरनेट होता है, BSNL वगैरह होता है, वो सब अच्छे नहीं चलते। तो आपको अपने एरिया के हिसाब से देखना है कि आपके एरिया में कौन सा इंटरनेट सबसे बेस्ट चलता है, कौन से सिम का इंटरनेट सबसे बेस्ट चलता है। Things you don't know about Free Fire number 8। इस अपडेट के बाद का ये छोटा सा चेंज हुआ है, मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा वो। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे डायरेक्टली माइक ऑप्शन को चालू रखे ही स्पीकर वाला ऑप्शन को बंद कर सकता हूँ, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। जब हम स्पीकर वाले ऑप्शन को बंद करते थे तो उसी के साथ हमारा माइक वाला ऑप्शन ही बंद हो जाया करता था, लेकिन अब ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बहुत सारे टॉक्सिक प्लेयर्स रिलेटेड। जो बहुत सारे लोग होते हैं भाई, मतलब ये मैं फन वे में बोल रहा हूँ, ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, काफी सारे लोग गाली गलौज बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने काफी बार अपने फ्रेंड्स को देखा है भाई माइक ऑन कर देते हैं और भाई गाली देना शुरू कर देते हैं और वो सामने वाला बंदा गाली दे रहा है, क्या गाली दे रहा है उनको समझ में नहीं आता। तो यार ये टॉक्सिक लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है कि भाई स्पीकर वाला ऑप्शन बंद कर दो और अपना माइक वाला ऑप्शन चालू रखो, आप गाली पे गाली दो, वो बंदा क्या बोल रहा है क्या नहीं कौन से देर आपको सुनाई में नहीं आएगा। पता नहीं यार इसके लिए कौन सा अपडेट लाया, इस अपडेट का काम क्या था, लेकिन चलो ठीक है, कुछ टॉक्सिक प्लेयर्स का बहुत ज्यादा काम आएगा ये। Things you don't know about Free Fire number 7। आपको पता है कि जो उजी गन है ये वन ऑफ द बेस्ट SMG पिस्तौल में से एक है, लेकिन जो उजी गन है ना ये वेपन ग्लोरी से रिमूव हो चुका है। अगर आप वेपन ग्लोरी सेक्शन में जाओगे और वहां पे पिस्तौल सिलेक्ट करके अगर आप चेक करोगे तो वहां पे आपको उजी गन देखने नहीं मिलेगा, आपको BR में भी देखने नहीं मिलेगा, आपको CS में भी देखने नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई शायद मैं SMG गन में चेक करूं तो मुझे देखने मिल जाए, तो SMG गन में भी उजी गन का स्लॉट नहीं है, मतलब अगर आप उजी से किल करते हो तो आपका जो पॉइंट है वो काउंट नहीं होगा। मे बी शायद ये OB43 अपडेट के बाद एक ग्लिच हो सकता है जो कि शायद हम लोगों को CS का जब नया रैंक सीजन आएगा उसमें सेट होते हुए दिख जाए, बट फिलहाल के लिए तो भाई अभी अपने गेम के अंदर वेपन ग्लोरी सेक्शन में उजी गन का नहीं है। अब गाइस आपको क्या लगता है, ये कोई ग्लिच है या फिर गरेना ने इसको इंटेंशनली रिमूव किया है, ये आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। Things you don't know about Free Fire number 6। गाइस ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, यहां पे देखो अगर कोई मुझे बुकिंग रिक्वेस्ट भेजता है तो वहां पे एक मेरे को ऑप्शन देखने मिलता है कि मेरा जो वेपन ग्लोरी टाइटल है वो मुझे वहां पे देखने मिलेगा। तो अब मैं उसमें क्लिक करता हूं तो मेरे सर के ऊपर थोड़े देर के लिए ना वेपन ग्लोरी का वो जो टाइटल है वो आ जाता है। तो बेसिकली चिढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है BR के अंदर, शायद से CS के अंदर भी हमको देखने मिलेगा। तो अगर हम किसी बंदे को मार देते हैं, किल कर देते हैं, जब हमको स्पेक्टेट करेगा तो हम हमेशा इमोट के साथ वो चिढ़ाते हैं, तो साथ ही हम इमोट परफॉर्म करते करते भी अब अपना वेपन ग्लोरी टाइटल जो है वो भी सामने वाले बंदे को दिखा पाएंगे कि भाई देख मेरी औकात देख मैं कितना ज्यादा स्कोर किया हूं वेपन ग्लोरी में। वैसे मैं मजाक कर रहा हूं, मेरे तो कोई औकात ही नहीं है भाई, मैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी 38 नंबर पे हूं। सोचो जो स्टेट लेवल पे इंडिया लेवल पे नंबर 1 पे होगा उसका क्या ही दबदबा होगा यार। Things you don't know about Free Fire number 5। अब गाइस ये वाला अपडेट एकदम छोटा सा जो कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कवर किया था लेकिन काफी सारे लोगों को समझ में शायद नहीं आया क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल बताओ करके कमेंट आ रहे थे। तो देखो आपको गेम के अंदर ना ऐसी लूट देखने मिलेगा और उस लूट का नाम होगा ऐसा कुछ एयर ड्रॉप, व्हीकल एयर ड्रॉप, मॉन्स्टर ट्रक एयर ड्रॉप, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। तो बेसिकली ये एयर ड्रॉप अगर आपको मिलता है और अगर इस एयर ड्रॉप को फेंकते हो तो ऊपर से ना गाड़ी गिरेगी, मतलब व्हीकल गिरेगी, और मे बी शायद
से सारे के सारे जो एयर ड्रॉप है, मतलब जो लूट व्हीकल एयर ड्रॉप लूट है, वो मॉन्स्टर ट्रक के ही है। मतलब अगर आपको कोई व्हीकल एयर ड्रॉप मिलता है और अगर आप उसे फेंकते हो तो उसके बदले ऊपर से मॉन्स्टर ट्रक ही गिरेगा, और फिलहाल के लिए कोई दूसरी व्हीकल नहीं गिर रही है। बीआर के अंदर छोटा चेंज हुआ है लेकिन मेरे को उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा यार ये। इसके बदले भाई आपको और ऑप्शन देने थे कि भाई मॉन्स्टर ट्रक के बदले आप लैम्बोर्गिनी बुला लो, या फिर कोई वो मिनी टेम्पो, क्या कहते हैं भाई वो जिसमें चार लोग आजकल बैठते हैं, वो ब्लू वाली जीप मंगा सकते हो, मिनी ट्रक बोलते हो उसे। क्योंकि ये सब चीजें ना जब हम जोन में रहेंगे तो काफी ज्यादा काम आएगा जोन से फट से निकलने के लिए। लेकिन चलो मॉन्स्टर ट्रक दिया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अबाउट फ्री फायर नंबर 4 गाइस, ये अपडेट है हमारे लॉन्च पैड को लेके। OB43 अपडेट के बाद लॉन्च पैड को बहुत ज्यादा अच्छा कर दिया गया है। देखो यहां पे मैंने लॉन्च पैड यूज किया और मैंने लॉन्च पैड पर जैसे लॉन्च का बटन क्लिक किया फट से मैं उड़ जाता हूं। पहले ना थोड़ा सा लोडिंग लेता था वो, मतलब 1 या 1.5 सेकंड का लोडिंग लिया करता था, अब 1-1.5 सेकंड कुछ नहीं, जैसे दबाओगे फट से उड़ जाओगे। तो ये काफी अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है कि हमको एनिमी से भागना पड़ता है लॉन्च पैड से, तो साला वो लॉन्च पैड भाई लोड होते होते एनिमी हमको हवा में मार देता है। तो अब ऐसा नहीं होगा, लॉन्च पैड पर जैसे लॉन्च पे क्लिक करोगे फट से उड़ जाएगा वो। थिंग्स टू नो अबाउट फ्री फायर नंबर 3। अब गाइस जिस बंदे का नेटवर्क इशू होता है या फिर लो एंड डिवाइस है ना, वो इस वाले प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ पे देखो मेरा नेटवर्क इशू हो गया था क्योंकि मेरा वाईफाई ना डिस्कनेक्ट हो गया था, साला उसका सर्वर डाउन हो गया था। तो मेरे टीममेट तो भाई आगे चले गए और मैं देखो कहाँ पानी में उतर रहा हूँ और भाई पता नहीं मैं जमीन के अंदर कहाँ घुस रहा हूँ। लेकिन अगर पहले ये ग्लिच हुआ करता ना OB43 अपडेट के पहले, तो भाई हम जब पानी से जाते रहते थे तो बीच में एक इनविजिबल कह सकते हो वॉल आ जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो मेरा ये ग्लिच हुआ भी, मैं पानी के अंदर घिरा भी और उसके बाद भाई यहाँ पे मैं भागते भागते सीधा बाहर निकल गया, पहाड़ों पर पहुंच गया। तो पहले क्या हुआ करता था, इनविजिबल वॉल आ जाया करती थी, ग्लिच हुआ करता, लेकिन शायद से इस OB43 अपडेट के बाद ये वाला ग्लिच सॉल्व हो चुका है। मेरे साथ तो ये ग्लिच नहीं हुआ, अब पता नहीं भाई इस ग्लिच को सॉल्व किया है या फिर मैं ज्यादा लकी था कि मेरे साथ ये ग्लिच वाला वॉल नहीं हुआ, मतलब वॉल वाला ग्लिच नहीं हुआ। तो आप मुझे बताना अगर आपके साथ कभी ये ग्लिच होता है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप कोई भी चीजें है जो मेरे को मेंशन करना चाहते हो कर सकते हो। अगर वो हेल्पफुल रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शाउट आउट देके उसको मैं कवर भी कर लूंगा। तो इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज सर्च कर सकते हो GW_Manish। थैंक यू डोंट अबाउट फ्री फायर नंबर 2। अब गाइस यहां पे एक स्क्रीनशॉट देखो, यहां पे एक टीममेट है उसके मतलब उसके प्रीसेट को देखो, मतलब उसने कौन-कौन से कैरेक्टर कॉम्बिनेशन यूज किए और उसके ऊपर यहां पे एक कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो काफी बार ऐसा होता है कि भाई ये बंदा पता नहीं कौन-कौन से कैरेक्टर यूज कर रहा है, साले ये नया है क्या, ये कौन सा ऐसा होता है। हमको कैरेक्टर्स के जो नाम तो पता होता है लेकिन उसके कैरेक्टर एबिलिटी का साइन क्या होता है वो पता नहीं होता। यहां पे आप सिंपली उसको कॉपी कर सकते हो उसके प्रीसेट को और अपने कोई नए प्रीसेट में जाके इसको पेस्ट भी कर सकते हो। लेकिन यहां पे आपको एक चीज याद रखना है कि आप कोई नए प्रीसेट में अगर उसको पेस्ट करोगे, ये वाला होता है देखो ये ऑप्शन, ये पेस्ट का ऑप्शन है और ये वाला कॉपी का ऑप्शन है, तो पेस्ट करोगे तो उससे पहले आपका जो प्रीसेट है वो पूरा का पूरा खाली रहना चाहिए। अगर कहीं पे कहीं मतलब प्रीसेट में भरा हुआ है तो फिर वो पेस्ट नहीं होगा। अब गाइस फाइनली बढ़ते हैं लैग प्रॉब्लम की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को फ्री फायर रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग चैनल पे मिलते रहेगी। और हम लोग व्हाट्सएप चैनल पे भी है, तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जाके कर सकते हो। कल मैंने ऐसे हंसी मजाक में रात में फ्री फायर का जो मालिक है उसका ना नेटवर्थ निकाल लिया, मतलब उसके पास पैसा कितना है। तो ऐसे ही ना मतलब फ्री फायर रिलेटेड हम लोग इंटरेस्टिंग चीज वहां पे अपलोड करते हैं, तो व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थिंक्स टू नो अबाउट फ्री फायर नंबर 1। OB43 अपडेट के बाद मनीष भाई लैग प्रॉब्लम तो हो रहा है यार, क्योंकि लैग प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ग्राफिक्स को इंक्रीज किया गया है गेम के। अब मतलब मजा आ रहा है यार, मतलब देखने में चीजों को ना ऊपर से हरा हरा दिखता है और थोड़ा सा लगता है कि ग्राफिक्स को हाई किया गया है, और ग्राफिक्स हाई करोगे तो भाई ऑब्वियसली गेम का साइज बढ़ेगा, और हमारा फोन पहले से ही लो एंड डिवाइस है तो भाई गेम का साइज बढ़ेगा, तो भाई गेम का साइज बढ़ने के बाद हमारे प्रोसेसर पे हमारे फोन पे लोड आएगा, उसके बाद ऑब्वियसली लैग होना ही है। तो चलो गाइस फटाफट हम लोग सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग उस गेम के अंदर सेटिंग खोलना है और वहां पे रिफ्रेश रेट सर्च करना है, सबका रिफ्रेश रेट अलग अलग होता है। बेसिकली सेटिंग्स के अंदर जाके आप स्क्रीन रिफ्रेश रेट सर्च करो या फिर रिफ्रेश रेट सर्च करो आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास 2 रिफ्रेश रेट के ऑप्शन है, एक 120 हर्ट्ज का और एक 60 हर्ट्ज का, तो मेरा पहले ही मैक्स में 120 हर्ट्ज में सिलेक्ट है। अगर 120 हर्ट्ज है मेरा, आपके में 144 हर्ट्ज हो सकता है, आपके में ज्यादा कम हो सकता है, तो आपके मोबाइल में मैक्स रिफ्रेश रेट कौन सा वो आपको सिलेक्ट करना है। इससे आपका जो स्क्रीन है ना वो ज्यादा स्मूथ चलेगा और आपके गेम खेलते टाइम ये काफी ज्यादा हेल्प भी करेगा। उसके बाद क्या करना है गाइस, अगर आपके गेम के अंदर कोई गेमिंग मोड का ऑप्शन है तो उसे इनेबल कर लेना है, लेकिन बहुत सारे पुराने फोन्स में नहीं होता है, तो जिसके फोन में नहीं है उसको हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड ऑन करके खेलना है, क्योंकि डू नॉट डिस्टर्ब पे ऑन रख के खेलोगे तो आपको नोटिफिकेशंस नहीं आएगी और बहुत सारे कॉल्स वगैरह अनयूजुअल आते रहते हैं तो वो आपको इग्नोर कर देगा, मतलब आपका फोन गेम खेल रहा है उसको इग्नोर कर देगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब गेम खेल रहे होते हैं किसी का कॉल आ जाता है तो उसके बाद फिर कंटिन्यूसली हमारा गेम लैग करना शुरू कर देता है कॉल खत्म होने के बाद भी, तो आपको हमेशा डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऑन कर लेना है। उसके बाद गाइस आपको अपने डिवाइस को अप टू डेट रखना है, आपके फोन में अपडेट आते रहता है हर
हर महीने, तो आपका चेक करना है आपके फोन का जो डिवाइस है वो अपडेट हुआ या फिर नहीं, सिस्टम अपडेट कहते हैं उसे। तो अगर अपडेट नहीं करते तो उसे अपडेट करना शुरू कर दो। मुझे पता है भाई बहुत सारे एमबी का होता है, एक जीबी का होता है, 1.5 जीबी का, कोई को 2-3 जीबी का भी होता है, लेकिन आप सोच रहे भाई इतना खर्चा कौन करेगा, बट यार आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके फोन में कोई बग्स है, ग्लिच है, तो कंपनी जो होता है ना, जो आपका फोन है कंपनी, वो सिस्टम अपडेट के थ्रू उस ग्लिच और बग को ठीक करता है। हाँ यार कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि मेरे फोन के साथ हुआ, मैंने फोन अपडेट किया तो मेरे फोन में ऐसा ग्रीन सा एक लाइन आ गया, 1+80 में आ रहा है आजकल, तो कभी कभी ऐसा होता भी है। तो अगर आपको ऐसा डर है कि आपका फोन खराब ना हो जाए अपडेट करने की वजह से, तो जो अपडेट आया ना आपके फोन में उसके बारे में YouTube पे या फिर गूगल में सर्च कर लो कि उसमें कोई ग्लिच या बग आया है या फिर नहीं, अगर नहीं है तो आप सिंपली उसको अपडेट कर सकते हो। और लास्टली आपको यह भी ध्यान रखना है कि गेम के अंदर जो रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम होता है उसको आप ऑफ ही करो, ये सब को ऑन करोगे तो भाई आपका डिवाइस पहले ही लैग हो रहा है, इस सब के बाद तो और ये लैग होगा। और जो एफएफ मैक्स वाला जो सेटिंग है ना उसको सबको भाई ऑफ रखो, क्योंकि जब आप एफएफ मैक्स की सेटिंग को ऑन करोगे तो उसके बाद गेम के अंदर कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, बल्कि आपके विजुअल्स और जरा एनहांस हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे, जिस वजह से आपके डिवाइस में प्रोसेसर में और लोड पड़ेगा। तो यार ये बेसिकली यार ये लैग की तरफ ही आपके फोन को लेके चला जाएगा। तो आपको एफएफ मैक्स जितनी भी सेटिंग है उसको ऑफ कर देना है, और बाकी जो बेसिक चीजें हैं आपको ग्राफिक सेटिंग क्या रखनी है जितना कम हो सके उतना कम रखने की कोशिश करो। अल्ट्रा खेल रहे हो, अल्ट्रा में लैग रहे हो, स्टैंडर्ड में करो, स्टैंडर्ड में लैग रहे हो तो स्मूथ में करो, तो बेसिक चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए। लेकिन इतना सब करने के बाद भी आप सोच रहे हो कि मेरा 2 GB रैम का फोन अचानक से भाई एकदम फुल स्मूथ चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। आपका फोन का प्रोसेसर रैम वो भाई आउटडेटेड हो चुका है, मतलब बहुत पुराना है। लेकिन एक बार ये ट्रिक्स को ट्राई करने में प्रॉब्लम क्या है, क्या पता आपके फोन का भी लैग इशू वो सॉल्व हो जाए। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, अवी रेंटिस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।